हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, हम बताने वाले आपको एक नए रेल के बारे में जो कि गाइस दिल्ली में RTS के कॉरिडोर पर चलने वाली है। गाइस, तो बिना देर की गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मेट्रो रैपिड रेल और मोनो रेल के बाद अब दिल्ली NCR में लाइट रेल चलाने की बारी है। दोस्तों, लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए फिल्म सिटी से लिंक किया जाएगा। आइए जानते हैं गाइस इसकी खास जानकारी के बारे में। ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RITS के साथ इंटीग्रेट यानी जुड़ा हुआ होगा। TOI की रिपोर्ट के अनुसार लाइट रेल से जुड़ा ये फैसला यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में लिया गया है। इस दौरान NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 72 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल को लेकर पेंजिस्टेशन दिया है। ये रैपिड रेल रूट नोएडा एयरपोर्ट से गाजियाबाद के बीच बनाने की योजना है। इस बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक लाइट रेल लिंक के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। गाइस, यानी इसे जो है राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इसको जो है इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। यदि सरकार इसे पास कर देती है तो उसका काम चालू हो जाएगा। तो गाइस, इससे पहले 14 किलोमीटर लंबे इस रूट को पॉड टैक्सी के जरिए कनेक्ट करने की योजना बनाई थी। इस बारे में 2021 में एक योजना तैयार की गई थी। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 12 स्टेशनों के लिए पहला टेंडर पिछले साल जुलाई में जारी किया गया था, जिसकी अनुमानित आपको लागत बता दें गाइस करीब 641.5 करोड़ रुपये थी। अब एक ही ट्रैक पर चलेगी मेट्रो, RITS और लाइट रेल। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसके बाद YEIDA को पॉड टैक्सियों और लाइट रेल के बीच स्टडी करने का काम सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाजियाबाद और नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाले 72 किलोमीटर RITS कॉरिडोर को मंजूरी के बाद NCRTC ने एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें पॉड टैक्सी या लाइट रेल के विकल्प शामिल थे। यानी उन्होंने जो है दो विकल्प शामिल किए थे, या तो आप पॉड टैक्सी इस्तेमाल कर सकते हो या लाइट रेल। तो YEIDA के CEO अरुण वीर सिंह ने बताया, इस योजना में अब एक ही ट्रैक पर 3 सेवाओं मेट्रो, RITS और लाइट रेल के लिए हैं, जिसमें केवल लूप और सेक्शन अलग अलग कर दिए गए हैं। गाइस, मेट्रो ट्रेनें आपको बता दें गाइस यहाँ पर कितनी देर में उपलब्ध होंगी। और ये मेट्रो ट्रेन आपको 3.5 मिनट के अंतराल पर, और जो रैपिड रेल है वो हर 7 मिनट में और मिलेगी आपको। और जो लाइट रेल गाइस जो चलाने की बात की जा रही है गाइस चल सकती है, वो आपको हर 8 मिनट के अंतराल पर मिल जाएगी। UP सरकार ने पहले ही इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे अब मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेज दिया गया है। गाइस, वीडियो हमारा कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।